दोस्तों बात करते हैं पीटर यान के बारे में, जो कि फाइट करने वाले हैं अगेंस्ट अल्जमैन स्टर्लिंग ऑन UFC 273। अभी अभी न्यूज़ आई थी कि जो उनके टीममेट्स हैं, जो कि उनके साथ आने वाले हैं फ्रॉम रशिया टू USA, और ऑब्वियसली उनके कॉर्नरमैन बनने वाले थे, वहाँ पे वीज़ा इशू चल रहा है और सिर्फ दो उनके टीममेट्स ही शायद आ पाएंगे उनके साथ। और हालांकि ये न्यूज़ मीडिया में आई थी, पीटर यान ने टैग किया उनके सोशल मीडिया के दोस्त स्लैश दुश्मन हेनरी सोहोडो को, फॉर्मर ऑब्वियसली UFC बैंटरवेट एंड फ्लाइवेट चैंपियन हेनरी सोहोडो को, कि क्या वो उनके कॉर्नरमैन बनेंगे, क्या उनको क्या उनकी हेल्प करेंगे। उन्होंने कहा कि हे कोच हेनरी सोहोडो, व्हाट आर योर प्लान्स ऑन April 9th। और उस पर रिस्पॉन्ड किया हेनरी सोहोडो ने, गेट मी ए बूस्टर सीट एंड आई विल वर्क योर कॉर्नर, यू नीड मी। वेल आई एम नॉट श्योर क्या मतलब इसका, बट लुक्स लाइक कि वो उनसे कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मांग रहे हैं। मे बी यू नो जो भी उनका एयर ट्रैवल का खर्चा होगा, शायद वो चाहते हैं कि वो हेनरी सोहोडो, सॉरी कि वो पीटर यान पे करें, समथिंग लाइक दैट। बट हाँ, हेनरी सोहोडो चाहते हैं कि ही इज़ ओके, वो बन सकते हैं उनके कॉर्नर मैन और सपोर्ट कर सकते हैं पीटर यान को। और फिर उस पर रिस्पॉन्ड किया पीटर यान ने कि आई हैव वन कंडीशन एज वेल, डोंट ट्राई टू गिव मी योर शिटी एडवाइसेस, जस्ट ब्रिंग द वाटर एंड आइस पैक बिटवीन द राउंड्स एंड वी आर गुड। उन्होंने कहा कि आई एम फाइन विद दैट, मैं आपको दूंगा स्पेशल ट्रीटमेंट या वॉट एवर बूस्टर सीट, बट मुझे अपनी घटिया एडवाइस मत देना, बस मेरे लिए पानी और आइस पैक लेके आना राउंड्स के बीच में एंड वी आर गुड। उसी के आसपास शुक्र शर्मा मैली, उन्होंने ट्वीट किया, कहा था कि वो भी रेडी हैं पीटर यान के कॉर्नर में बनने के लिए। और आज पीटर यान ने ट्वीट करके बताया कि ये जो फोटो उन्होंने ट्वीट की, जहाँ पे उनके एक तरफ हेनरी सोहोडो है, एक तरफ शर्मा मैली है, और कह रहे हैं कि एक और स्पॉट बाकी है, बिकॉज वन स्पॉट स्टिल ओपन, हु शुड आई टेक। यानी कि ऑब्वियसली 5 उनके कॉर्नरमैन थे शायद, और में से मे बी नॉट कॉर्नरमैन बट सपोर्ट स्टाफ एंड अदर पीपल, और एक और स्पॉट खाली है, तो कौन बनेगा वो तीसरा कॉर्नरमैन। नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, हेनरी सोहोडो फॉर्मर ऑब्वियसली फ्लाइवेट बैंटरवेट चैंपियन है, और वो फिर से यू नो रेडी हैं वापस आने के लिए। क्या वो वापस आएंगे? मोस्ट प्रोबेबली शायद नहीं। डेना वाइट नहीं चाहते कि वो वापस आएँ और फाइट करें, वो पैसा जो कि वो मांग रहे हैं सोहोडो, उन्हें नहीं मिलेगा, तो मे बी इट्स स्टिल सेफ। बट शर्मा मैली तो स्टिल एक्टिव है बैंटरवेट डिवीजन में, और वो शायद फाइट कर सकते हैं फ्यूचर में अगेंस्ट पीटर यान। और यहाँ पे पीटर यान का ये फैसला लेना कि शुगर शर्मा मैली को अपने कॉर्नरमैन बनाना, इट्स अ बोल्ड मूव। आई मीन वो कितने कॉन्फिडेंट है कि वो अपने ही डिवीजन के एक फॉर्मर चैम्पियन और एक शायद फ्यूचर अपोनेंट को अपना टीममेट बनाने को रेडी हो गए हैं। आई एम नॉट श्योर कि क्या सच में ऐसा होने वाला है, बट लुक्स लाइक ऐसा होने वाला है। इट विल बी क्रेजी, इट विल बी वेरी वेरी हिलेरियस एंड एक्साइटिंग, यू नो कूल मोमेंट, राइट? कि आप अपने ही डिवीजन से दो बंदे उठा के अपने टीममेट बना रहे हैं, जो कि आप जिनके खिलाफ आप हमेशा यू नो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ट्रैश टॉक करते रहते हो। दिस इज़ क्रेजी दोस्तों। बट यस, पीटर यान लुक्स लाइक कि ही सीरियस, और वो चाहते हैं कि हेनरी सोहोडो और शर्मा मैली उनको कॉर्नर में उनको सपोर्ट करें। आई एम जस्ट हैप्पी टू सी कि एटलीस्ट ये बातें चल रही हैं, होगा नहीं होगा ये तो देखा जाएगा, बट लुक्स लाइक कि पीटर यान इज सीरियस। और अगर ऐसा चलता रहा तो उस दिन, उस ऑक्टागन के आसपास पीटर यान फाइट करेंगे वर्सेस अल्जमैन स्टर्लिंग, और पीछे जो सपोर्ट कर रहे होंगे एज ए कॉर्नरमैन वो होंगे शर्मा मैली और हेनरी सोहोडो। आई मीन क्रेजी दोस्तों। पीटर यान के लिए दोस्तों डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी फाइट है, और इस फाइट के आसपास ऐसी चीज़ें करना, यू नो अपने डिवीजन से बंदे उठा के अपने टीममेट बनाना, बिट क्रेजी। बट आई थिंक इसका ये भी दिखाता है कि पीटर यान बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी स्किल सेट में, और वो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन उनके साथ है, ही जस्ट नीड समवन जो उन्हें पानी और आइस बैग देता रहे राउंड्स के बीच में। एनीवे दोस्तों, व्हाट डू थिंक, क्या होगा? क्या ये सही मूव है फॉर पीटर यान, एंड क्या रियली में उनके टीममेट्स बनेंगे हेनरी सोहोडो और शर्मा मैली? मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।